मुझे बताई जो मम्मा क्या क्या लिखना है। आप लिखो, सबसे पहले हम मीठे का कुछ करते हैं। सबसे पहला मीठे से ही हम ना शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है दावत की तैयारी के लिए ना मैं सामान लिखवा रही हूँ आशा, हाँ आशा को लिखवा रही हूँ। तो मीठे में लिखो सबसे पहले 2 किलो दूध, 2 kg दूध आएगा खुला, ठीक है। लिखो कस्टर्ड का 1 डिब्बा, वनीला, फ्रूट केक, वनीला का, हाँ फ्रूट केक लिखो। अच्छा लिखो और लिखो अब फ्रूट केक लिखो, बिस्किट कैंडी, अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और अभी है सुबह का टाइम 10 बजे का, तो हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए घर की। तो आशा भी साथ जा रही है, आशा कहती मामा मैंने भी साथ जाना है, तो मैंने कहा आ जाओ आप ही चलो मेरे साथ, दरवाज़ा बंद कर दो। तो उतरो नीचे, पापा उतर गए नीचे आके, तो चलो चलते हैं जी नीचे की तरफ। हाँ जी, स्टोर पहुँचते ही ना सबसे पहले जो है ना मैंने अपना मीठे का सामान लेना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले मीठा जो है ना वो होना ज़रूरी है, बाद में दूसरा सामान, ठीक है। तो बस यहाँ पे आशा ने टोकरी जो है ना वो मुझे पकड़ाई, कहती मामा आप पकड़ लें, तो सामान जो है ना वो डालते जा। तो यहाँ पे चीनी जो है ना वो मैंने सबसे पहले ली, तो चीनी ली, उसके बाद दूसरा सामान जो है ना वो मैं देखने के लिए आ गई। मम्मी अभी भी जल्दी जल्दी से चीजें रहे हैं। यही वाली ठीक है ना, वो सारा वाला नहीं लेते, ये वाला ठीक है। चलो अब यहाँ से फ्रीजर के आइटम्स ले लेते हैं, वो बाद में लेते हैं एंड पे, ठीक है। तो इधर से कस्टर्ड का पता कर लेते हैं, कस्टर्ड वो शायद उधर एंड पड़ा है। चलो कस्टर्ड ले लो, वनीला का वनीला ये। चलो जी ये भी डन हो गया, और क्या था इसके, फ्रूट केक, फ्रूट केक सादा वाला लेना है, ठीक है। और वो कहाँ से, कैंडी बिस्किट चाहिए, वो सर पर आ जाएंगे। हाँ जी कैचअप भी लेनी है। अच्छा जी यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन में है, तो यहाँ पे ना मुझे चाहिए था गोला कबाब, तो अब ये मुझे सारे मना ये कर ही जा रहे थे, मम्मा ये ना लो ये नहीं अच्छे, हम दूसरे वाले कबाब लेते हैं। लेकिन मैंने जो है ना रेसिपी बनानी थी गोला कबाब की, मलाई गोला कबाब, तो मैंने कहा नहीं मुझे वही चाहिए। तो बस हमें मिले तो मैंने एक पैकेट लेना चाहा, लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं ये ना मुझे लगता कम हो जाएंगे, तो हमने ना 2 पैकेट ले लिए। चीज़ें लेकर फिर बिल करवाते हैं। और क्या लेना है, वो फ्रूट केक भी लेना है, वो क्रीम का 1 डिब्बा लेना है जी। और क्या था, कैचअप लेना है, कैचअप लेनी है डिब्बा ढूंढते हैं हम, केक का के डिब्बा मिल गए, कैंडी बिस्किट की जगह कैंडी बिस्किट जल्दी से मैं ढूंढती हूँ, मिल गया मुझे कैंडी बिस्किट। हाँ जी ये रहा, अब ये मैंने 2 कैंडी बिस्किट लेनी है, पता नहीं और चाहिए कि नहीं। अब वो मामा मेरे घर आ रहे हैं, ये मामा ये वाले ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे ना बड़े मज़े की बातें हो रही थी, वो ना मैं कह रही थी इनको के ना ये केक यही वाला लेते हैं, तो दूसरे वाला केक नहीं लेना हमने ना, बड़े जो होता है फ्रूट केक, मैंने कहा वो नहीं लेना, ये वाला लेना, ये ज़्यादा मज़े का लगता है ना कस्टर्ड में। दूसरे वाला केक जो है ना वो तो अक्सर
यानी कि हर कोई डालता है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं ना कस्टर्ड को, तो मैं इसलिए वहाँ पे कह रही हूँ ये मेरा मजाक बना रहे थे वहाँ पे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना है, यहाँ पे बेस्ट लगा, मैंने कहा मैंने वॉइस ओवर करना है, आप लोग ना बड़ा मजाक बनाते हो मेरा। तो कहते हैं मम्मा कस्टर्ड बना रहे हो तो ये आपने क्या करनी है लोहे की कूची इसके साथ, मैंने कहा ये भी इसके अंदर ऐड करनी है मैंने। अच्छा देखिए मैंने केक ले लिया, फिर उसके बावजूद उनका ना सुकून नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे ये वाला केक नहीं डालना इसके अंदर, डिब्बे वाला केक ना, ये देखे अब आके आके ना मुझे कहते ये वाला मैं कह रहा था कि ये कस्टर्ड के अंदर डालो, मैंने कहा नहीं डालना वही वाला डालना हमने ना। हाँ बस ठीक है, नीचे वाले भी पड़े हैं मम्मा, ये भी है, ये भी है ना, मुझे सादे वाले चाहिए ना, ये सादे होते हैं वो सादे होते हैं, ये नमकीन होते हैं शायद, देखो लिस्ट में ये भी शामिल हो गया जी। हाँ तो अब आए हुए तो फायदा तो उठाना पड़ेगा ना, आपके पापा उतर गए हैं तो मन के चलो फायदा उठा लीजिए, चलो रखो इसके अंदर फेस वॉश कुछ एक ये भी है, ये देखो कौन सा बेस्ट है कि है, ये यूज़ किया यही ले लो, नहीं ये यूज़ नहीं किया, ये चेंज है थोड़ा सा, नहीं वो ही है ये ले लो, चलो चलो सन क्रीम भी लेनी है तो बहुत जल्दी।